वहीं कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक अपना 7 साल पुराना झगड़ा भुलाकर मामा गोविंदा के घर पहुंचे और उनका हाल चाल लिया। ए टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में मुलाकात का जिक्र करते हुए कृष्णा ने कहा कि जैसे ही भारत लौटा मैं सीधा 7 साल में पहली बार मामा से मिलने उनके घर पहुंचा। ऐसा लगा मानो वो आधा वनवास पूरा कर लिया हो। वो ठीक हो रहे हैं, मैंने उनके साथ लगभग 1 घंटा बिताया। यह बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। बताते चले कि बीते दिनों गोविंदा ने अपने ही घर में अपनी गन से मिस फायर कर दिया था और बुलेट उनके पैरों में लग गई। अस्पताल में 3-4 दिनों तक चले इलाज के बाद वो वापस घर पहुंचे। तब गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक काम के सिलसिले से ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, पर उनकी वाइफ कश्मीरा शाह गोविंदा से मिलने पहुंची थी। अब जैसे ही कृष्णा अपने काम से वापस इंडिया लौटे, सबसे पहले वो गोविंदा से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां पर कृष्णा ने 7 साल पुराना अपने मामा गोविंदा से झगड़ा खत्म किया। आपको बता दें कि गोली लगने के बाद मामा से पहली बार मिलने पहुंचे एक्टर कॉमेडियन ने यह भी कहा कि बड़ों की डांट कभी कभी सुन लेनी चाहिए।